हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में, बाकी सारे सो रहे हैं, थोड़े दादू नमाज पढ़े हैं, आप सब देख सकते हैं। और अभी मैं चलता हूँ दूसरे कमरे में, देखते हैं यहाँ क्या कर रहे हैं। यहाँ सो रहे हैं दादू, अभी चलते हैं तीसरे कमरे में। तो यहाँ पर चाचू टी वी देख रहे हैं, ये भी चाचू टी वी देख रहे हैं। और यहाँ पर फिल्म लगी हुई है टेन चैप पर। तो गाइस ये मैम और इब्राहिम वीडियो की एडिटिंग कर रहे हैं अपने ब्लॉग की, उसने कल बनाया था। तो अभी ये देख सकते हैं, आगे चाचू मुझे पीछे से खींच रहे हैं। तो गाइस आज हमने न्यू कूलर लाया, आप ब्रांड श्रांड सब कुछ चेक कर सकते हैं। ये देख ले, काफ़ी प्यारे हैं। ऊपर से ये ऊपर कपड़ा दिया हुआ है, और ऊपर गिलास पर है। तो गाइस मैं अभी इस अंदर हूँ, यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए सब दूसरे अंदर है। यहाँ टीवी लगा है, इसलिए दोनों चाचू इस कमरे में बैठते हैं। तो गाइस मैं कपड़ा उतार के आपको बताता हूँ हमारा नया कूलर। तो हमने कल तोता भी लेने जाना बोलने वाला, आपको कल वो भी दिखा रहे हैं। देख सकते हैं आप आगे पीछे सब कुछ, ब्रांड सारा ब्रांड इसका देख लें। अभी इसके अंदर पानी भरा था थोड़ा सा। तो गाइस ये साथ में जालियाँ लगी हुई हैं, गाइस जालियाँ तो काफ़ी प्यारी लग रही है मुझे। तो ऊपर ये तीन बॉक्स भी बने हुए हैं, यहाँ पर पंप है जिसमें से पानी निकलता और जालियों में जाता है और ठंडी हवा आती है। तो और इसके अंदर बर्फ़ भी रख सकते हैं। और इसके बाद ये कूलिंग इतनी ज़्यादा करता है ऐसे जैसे किसी ने वो किया एसी चलाया हो। तो गाइस आप नीचे कमेंट करके बताना कि आपको हमारा कूलर पसंद आया कि नहीं। तो गाइस आपको मिलते हैं थोड़ी देर तक। तो गाइस मैं आ गया हूँ वापस। तो आप नेक्स्ट व्लॉग में देखना मैंने अपना तोता लाया है, और कल हम तोते का घर भी बनाएंगे। अभी मैं अकेला बैठा हूँ अपने रूम में, कोई भी नहीं आ गया। दादू यहाँ नमाज पढ़ रही थी, तो अभी कोई बंदा भी नहीं है, ये देख सकते हैं आप। और वो जो था टैबलेट मैंने सही कराया ना, आपको इब्राहिम के व्लॉग में लग ही गया होना पता। तो गाइस वो देख सकते हैं आप। तो गाइस अभी मैं फ्री बैठा हुआ था, सोचा क्या करूं, तो मैं व्लॉगिंग शुरू कर दी। गाइस अभी टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो आज मैं अस्पताल पढ़ने नहीं था गया, क्यों मुझे याद नहीं था रहा। तो फिर बाद में पता लगा कि आज इतवार है। गाइस मैं ब्लैक खा रहा हूँ। तो गाइस अभी थोड़े दिनों तक ईद आने वाली है, या 9-10 को ईद है, और घर की शॉपिंग शुरू पता नहीं कब होगी। तो गाइस अभी मैं कुछ नहीं कर रहा। तो मैं व्लॉग शुरू करने से पहले अपना टैबलेट देख रहा था कैसा सही होगा कैसे नहीं। आईपैड। तो गाइस कुछ समझ नहीं लग रही, तो मैंने इसको शहर लेके जाना है अपने पापा के साथ, और फिर इसको देखेंगे कैसे सही होना कैसे नहीं। तो फिर देखें क्या बनता है अभी आईपैड का। तो हमें छुट्टियाँ हुई हुई हैं 2 महीनों की, मैंने काम भी ख़त्म कर लिया, एक बुक का रह गया बस, वो भी कल तक ख़त्म हो जाएगा। तो फिर इंशाल्लाह हर रोज़ वीडियो आएगी। तो गाइस अभी आप देख लो मैं बाहर का नज़ारा, यहाँ पर देखो चारपाई है, वो आ गया इब्राहिम। इब्राहिम आपकी वीडियो अपलोड हो गई है? नहीं अभी नहीं हुई, हैप्पी फैमिली में हो गई है तो यूट्यूब पे नहीं हुई।
यूट्यूब में कब तक खोएगी? यूट्यूब में अभी टाइम लगेगा। तो इब्राहिम अब मैं वो होम टूर मैंने देना, मैं दूंगा आधे घर का आप दे लेना, आधे घर का मैं दे लूंगा, दो कमरू को आप दे लेना, दो कमरे। ओके, अगर मेरा दिल करा तो मैंने सब का दे देना है। तो गाइस वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, ये आप सब देखना, मेरी पहली वीडियो इतनी लंबी होगी। तो गाइस इब्राहिम आके फिर टैबलेट को पकड़ लिया, इब्राहिम को लगता है आज चैन नहीं आ रहा, इसने आज दो वीडियो एडिटिंग की है और खुश हो रहा है कि मैंने दो वीडियो एडिट कर ली, मैंने दो कर ली। फातिमा की लोगों में है कि फैमिली से मैंने वीडियो देख ली है, और सब फातिमा पी कह रहे हैं उन्होंने हैप्पी फैमिली में मेरी वीडियो देख ली है। तो गाइज अभी बाहर का एक दफ़ा बाहर गली में चलते हैं, देखते हैं कोई है क्या नहीं। इब्राहिम मेरी जूती किधर है? जूता तो गाइज मुझे जूता मेरा जूता उतारो, कुछ नहीं होता नहीं, मेरा और उतार के दूसरा पहन लो, कुछ नहीं होता, मैं आपका ला देता हूँ। अपनी गाड़ी खरीद है, गाड़ी रात को बाहर गई थी तो अभी बाहर कोई कोई भी नहीं है, ये चाचा अच्छा जा रहा है और वहाँ बच्चे लगे हैं खेले हुए, वो उस आपको दिखा के लाएं, उस बच्चे का नाम फैसल फैसल है, आप दिखा, आप उम्मीद करता हूँ आपको नज़र आ रहा होगा वरना नज़र तो नहीं आता। तो गाइस अभी क्या कर सकते हैं हम भी, ये लो अपनी चप्पल मुझे दे दो मेरी। अच्छा ये लो गाइस, अभी आपको दिखा, अभी मैं अभी जा रहा हूँ बाहर बंटे खेलने,